फ्रेंड्स, पाइथन सीखने के सीरीज में मैं उन्हीं साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चैप्टर 11 के लेक्चर 5 पे पहुंच चुके हैं और यहां पे देखेंगे कि हाउ टू ऐड डाटा इन डिक्शनरी। एक डिक्शनरी में हम डाटा कैसे ऐड करें। जैसे मान लीजिए, पिछले वाले लेक्चर में मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया था, ये वाला, जिसमें यूजर नाम का डिक्शनरी क्रिएट किया था और यहाँ पर यूजर को सिंपल मैंने क्या किया था, प्रिंट कराया था, ठीक है। लेकिन अगर एक बार मैं डिक्शनरी बना दिया तो उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि मान लीजिए यूजर के भाई का नाम डालना चाहता हूँ और उसी डिक्शनरी में मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा। तो इसके लिए कुछ नहीं यार, सिंपल आपको करना क्या है कि आपको सिंपल लिखना है यूजर, और यूजर के बाद उसकी वैल्यू का नाम लिखना है जिसको आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपल लेट से की का वैल्यू का नाम है ब्रदर नेम, तो मैं क्या करूँगा, ब्रदर और नेम, ब्रदर नेम कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे उसके भाई का नाम लेट से मैं लिख देता हूँ जैक, ठीक है, और ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। बस सिंपल इतना करना है आपको, ब्रदर नेम और इसमें सिंपल जैक पास कर देना है। अब क्या करता हूँ मैं, सिंपल यूजर को प्रिंट कराता हूँ और प्रिंट करा के देखता हूँ कि ये वैल्यू ऐड होकर प्रिंट हो रही है कि नहीं। मतलब ये तो पहले से थी डिक्शनरी में, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ऐड किया। तो ऐड करने के बाद देखता हूँ प्रिंट होती है कि नहीं। तो सिंपल इसको मैंने रन किया और रन करने के बाद देखिए, एक बार मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने बड़ा किया और यहाँ से देखिए, ब्रदर नेम जैक इसमें ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद आप चाहे तो कितनी भी वैल्यूज जो है इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो इसमें कुछ और ऐड कर दीजिए, लेट से मैं एक ऐड करता हूँ यूजर, और इसमें मैंने ऐड किया लेट से सिस्टर नेम, सिस्टर नेम, ठीक है। तो इसके लिए यार मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सिस्टर नेम को इस की वैल्यू है जो की वैल्यू पास करना है। मैंने बताया था कि आप डिक्शनरी में जो है इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, आप इसमें इंडेक्स का यूज नहीं करेंगे, इसमें आप सिंपल की का यूज करके जो भी काम करना है आपको की का यूज करके करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसमें सिस्टर नेम पास करता हूँ लेट से मैरी। तो ये यार मैंने पास किया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद देखते हैं कि आउटपुट में वो चीज़ फ्लैश हुई है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सिस्टर नेम जो है मैरी फ्लैश हो गए, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हाउ टू ऐड डाटा इन ए डिक्शनरी, मतलब एक डिक्शनरी बना के आप कैसे डाटा ऐड करेंगे, ठीक है। तो आगे वाले चैप्टर्स में मैं क्या करूँगा, एक एक्सरसाइज, आगे वाले लेक्चर्स में मैं क्या करूँगा, सिंपल आपको एक एक्सरसाइज दूंगा और उसका सॉल्यूशन आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आई होप कि आप खुद से करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप अभी तक जान चुके हैं कि एक डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करें, एक डिक्शनरी को कितने तरीके हो सकते हैं बनाने के। तो तीन तरीके हमने डिस्कस किए थे, अच्छा डिक्शनरी में कैसे डाटा ऐड करें, कैसे की का यूज करके हम कैसे वैल्यू को प्रिंट करें, सारी चीजें मैंने बता रखी है डिटेल में, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक के लेक्चर्स डिक्शनरी के पसंद आ रहे हैं। अगर है ना ऐसा है तो प्लीज यार इन वीडियोज को लाइक करते चलिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।